तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2021 की उन बेहतरीन मूवीज के बारे में जिन्हें देखकर आपका भी दिल बोल उठेगा वाह क्या मूवी थी। इस लिस्ट में हमने पांचवें नंबर पर रखा है मूवी अजीब दास्तां को, जिसमें जयदीप अहलावत ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से मूवी में 4 चांद लगा दिए। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो जाएगी। मूवी 4 अलग अलग कहानियों को कवर करती है, जिसमें टूटते रिलेशनशिप्स में इमोशंस की असहजता को बखूबी दिखाया गया। इस लिस्ट में हमने 4th नंबर पर रखा है अक्षय कुमार की मूवी बेल बॉटम को, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.6 out of 10 और ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पे अवेलेबल हो जाएगी। इस मूवी में अक्षय कुमार आपको एक रो एजेंट के रूप में नजर आएंगे। मूवी में इनका अंडरकवर नेम बेल बॉटम होता है। मूवी में अक्षय कुमार यानी कि बेल बॉटम को एक प्लेन हाईजैक से 210 यात्रियों को सलामत निकालने और हाईजैकर्स को न्यूट्रलाइज करने का टास्क मिलता है। वो किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं वो देखिए आप इस मूवी में। तक हुआ नहीं, क्या कर सकते। इस लिस्ट में हमने 3rd नंबर पर रखा है पंकज त्रिपाठी की मूवी कागज को, जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 out of 10 और ये मूवी आपको G5 पे अवेलेबल हो जाएगी। मिर्जापुर में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाए वाले पंकज त्रिपाठी ने इस मूवी में अपनी बेहतरीन अदाकारी से 4 चांद लगा दिए हैं। मूवी में पंकज त्रिपाठी एक ऐसे इंसान का रोल कर रहे हैं जिनको खुद को गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में जिंदा दिखाने के लिए 2 दशक बीत जाते हैं। भरत भैया, कौन मर गया? हम ही मर गए। इसमें 2rd नंबर पर आने वाली मूवी है राम प्रसाद की 13वीं। मूवी की रेटिंग है 7.5 out of 10 IMDb और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो जाएगी। इस मूवी में नसीरुद्दीन शाह, कोंकणा सेन शर्मा एंड सुप्रिया पाठक ने बहुत ही बेहतरीन रोल अदा किया है। इस मूवी में राम प्रसाद की मौत के बाद उनका पूरा परिवार 13 दिन के लिए एक ही छत के नीचे आ जाता है। उनकी चटपटी बातें, उनके मसले और उनके सुझाव देखने का अलग ही मजा है। तारें उलझी हुई है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आने वाली मूवी ने आते ही मार्केट में पूरा धमाल मचा दिया। हर तरफ मूवी के ही चर्चे थे। मूवी का नाम है शेरशाह। मूवी की IMDb रेटिंग है 8.8 out of 10 और ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पे अवेलेबल हो जाएगी। मूवी में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इतना अच्छा अभिनय किया है कि उन्होंने रील और रियल लाइफ के बीच की सारी दूरियां खत्म कर दी हैं। साथ में कियारा आडवाणी के अदाकारी ने मूवी में 4 चांद लगा दिए हैं। मूवी में कारगिल वार में अपने अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी दिखाई गई है। मूवी में कैप्टन विक्रम बत्रा की कॉलेज लाइफ से लेकर के उनके प्यार की कहानी और उनके फौजी बनने तक के सफर को बखूबी दिखाया गया है। कोई फिक्र न कर जानी, मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। ये मूवीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है ना।